देखिए, इंसान कौन सी बीमारी से बीमार है? कैंसर से है, हार्ट डिजीज से है, ट्यूमर है, स्टोन है, किडनी फेलियर है, जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं, सुना है, भुगता है, कोई भी बीमारी का नाम ले लीजिए। करना क्या है वो मैं बता रहा हूं। तीन ही चीज हैं, इसको और यहां ले, पास में ले, तीन ही बातें हैं क्योर के लिए। इंसान जो है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मानते हैं इस बात को? अगर तो नहीं होता तो वो स्टेथोस्कोप से क्या कर रहे हैं? जो दिल की धड़कन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ECG। वो क्या है? आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही तो देखने की कोशिश करते हैं। तो आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको इलेक्ट्रिकली ही तो ठीक करेंगे। इलेक्ट्रिकल फेलियर को इलेक्ट्रिकल तरीके से ठीक करना है, पहला। आप एक मैकेनिकल सिस्टम भी तो हैं, आपकी हड्डियां, हड्डियों में जॉइंट्स, राइट, ये एक मशीनरी है ना, एक फिजिकल चीज है ना जिसको छू सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते। इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं ना, लेकिन फिजिकल वस्तु हमारे हाथ, हड्डी, मैं हाथ मूव कर रहा हूं, देख पा रहे हैं, फिजिकल या मैकेनिकल बोल सकते हैं इसको। अगर कोई मैकेनिकल फेलियर है उसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं कर सकते, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक करना पड़ेगा, क्लियर है? तीसरा है केमिकल। आप एक केमिकल केमिस्ट्री भी तो है, आपके बॉडी में एट एवरी मोमेंट सम केमिकल चेंजेस आर हैपनिंग, मानते हैं इस बात को? हार्मोनल बैलेंस बन रहा है, हार्मोन नए बन रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, ब्लड नया बन रहा है, पुराना डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये एक केमिकल केमिस्ट्री भी आपके बॉडी के अंदर है। अगर कोई केमिकल फेलियर है तो उसे केमिकल तरीके से तो ठीक करेंगे, इजंट इट? कोई भी इंसान जब बीमार पड़ता है इन्हीं तीनों में से होता है, या तीनों के तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जब आप और हम बीमार पड़ते हैं, क्या हमने ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, उसको तीनों पॉइंट ऑफ व्यू को से करेक्ट करने की कोशिश की किसी ने भी कभी भी, या बताया? नहीं बताया, राइट? क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर है उसे बायोलॉजी का ज्ञान है, केमिकल का ज्ञान होगा, मैकेनिक्स का ज्ञान होगा, इलेक्ट्रिकल कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो इंजीनियर उसे इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान है, लेकिन बॉडी के अंदर केमिस्ट्री क्या है कुछ पता ही नहीं। ये दोनों को मिलाया नहीं गया। अगर मिला दें तो ठीक होना इतना आसान, इतना फास्ट हो सकता है, इतना परमानेंट हो सकता है, और इतना सस्ता हो सकता है, फ्री, वो आपको अब पता चलेगा जब ये मिला देंगे। तो मिलाने की ये शुरुआत करते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो डब्बा यहाँ ले आओ, निकालो इसको, थैंक यू। आपने जादू देखा है कभी? जिस तरह से जादूगर के पास एक पोटली होती है ना, मेरे पास भी एक पोटली है, इसी में से सामान निकलना है और वही चीज आपको समझाना है। इरादा यह है कि हमारे जाने के बाद हमारे बिना आप ये सब कर पाए, राइट, बिना किसी गड़बड़ के। तो सबसे नई बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे अच्छी बात सबसे पहले करता हूं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, राइट? इलेक्ट्रिकल फेलियर क्या है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल बैलेंस, पहला पहलू, इस वक्त भी आपकी दिल की धड़कन चल रही है, ये इलेक्ट्रिकल ये मामला है, है ना? जब किसी को हार्ट बीट पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, घट जाता है, वो इलेक्ट्रिकल मामला है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जब आपको एकदम डर लगता है, इलेक्ट्रिकल मामला है, उसे ठीक करना पड़ेगा। तो इसे कैसे ठीक किया जाए, हमने कैसे ठीक किया? हो सकता है इलेक्ट्रिकल मामला हो सकता है ना हो, शक में भी हो तो क्या करना पड़ेगा? आप ये समझिए, जब भी आपको स्लीपलेसनेस है, नींद नहीं आना, तो उसकी दवाई लीजिए, डिप्रेशन है तो दवाई लीजिए, डायबिटीज है तो दवाई लीजिए, बीपी बढ़ गया दवाई लीजिए, हार्ट के पेशेंट है दवाई लीजिए। आपको क्या करना है, आपको अपना जूता उतारना है, और उतार के सिर्फ जूता ही नहीं, मोजे भी उतारने, दोनों चीज उतारा आपने। और उतारने के बाद आपने
पैर को लेके मिट्टी के ऊपर, इमेजिन कीजिए मिट्टी है, बाहर मिट्टी है, ऐसे रखना है। अब जब मैं मिट्टी में मैंने पैर रखा है, हालांकि यहां कंक्रीट है बाहर, तो इलेक्ट्रिकल एज ए इंजीनियर मुझे पता है, इस वक्त जब पैर मेरे जमीन पे हैं, मिट्टी पे है या घास पे है, तो और गीली मिट्टी पे अगर है, इसी वक्त मेरे बॉडी में लिटरली इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन इमेजिनेशन में नहीं, सही में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे करीब। और अगर मेरे जोड़ों में दर्द है तो 30 मिनट में इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे और जोड़ों के दर्द 30 मिनट में कम होने लगेगा। 30 मिनट्स, राइट? अगर आपको कभी घबराहट लगती है ना, किसी भी वजह से घबराहट लगती है, दुख लगता है, डिप्रेशन में चले गए हैं, मन मचल रहा है, होता ना कई बार, तो आप ऐसे दोनों पैर, मैंने तो एक जूता खोला, दोनों पैर लेके जमीन पे रख के सिर्फ बैठ जाइए। 1 से 2 घंटे के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाते हैं, आपका दुख खत्म हो जाएगा, राइट? आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, आपको महसूस होने लगेगा, लिटरली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो याद रखिए, आपके बॉडी में जितनी सारी बीमारियां हैं, दैट इज कैन बी कॉल्ड, मेनी ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। जिस तरह से विटामिन डेफिशिएंसी होती है, मिनरल डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, राइट? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, घाव जाता ही नहीं ठीक, सूजन है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जिसे फ्री रेडिकल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल क्या है ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, राइट? सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन को भरना है, ये जो धरती है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पूरे धरती में इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलेंगे कैसे पता, कैसे देखें, देखना चाहते हैं आप, पता करना चाहते हैं, तो पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको पता करना है, क्योंकि सबूत के बिना आप करेंगे नहीं इसको, और करेंगे नहीं तो आपको फायदा होगा नहीं, है ना? तो मैं सबूत देना चाहता हूं। हमारे जो वो बच्चे हैं, उन बच्चों को हम क्या करते थे, इस तरह से हमारे उन बच्चों को, ये जब लेटे हुए हैं पानी में खेल रहे हैं, पेड़ पे लटक रहे हैं, पेड़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे ही वो ऐसे करेंगे तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर लिटरली आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बॉडी में आने शुरू हो गए, साथ ही साथ उन बच्चों को हमने देखा, हम रिकॉर्ड करते हैं कि धीरे धीरे उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसी स्पीड से। जिस तरह से आप मोबाइल को चार्ज पे लगाएंगे तो बैटरी चार्ज होता है ना, होना ही है ना, ठीक उसी तरह से आप भी चार्ज होते हैं। जैसे ही आप मिट्टी में पैर रखते हैं आप भी चार्ज होते हैं। इंसान है जो जूता पहनता है, कौन सा जानवर जूता पहनता है, है? तो क्या हम जूता पहनना छोड़ दें? देखिए, अगर आप बीमार हैं तो आपको काफी सारा समय मिट्टी के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, राइट? इलेक्ट्रिकल फेलियर को ठीक करने के लिए, राइट? तो इसको जरा टेक्निकली समझते हैं, साइंस को समझना जरूरी है आपको। और उसको समझने के लिए, कोई भी बीमारी हो, अगर 5 घंटे से 8 घंटा आप, इसे कहते हैं अर्थिंग बोलते हैं, बिल्डिंग की अर्थिंग बोलते हैं, तो इंसान की अर्थिंग 5 से 8 घंटा अगर अर्थिंग आप करेंगे तो भयंकर से भयंकर बीमारी बड़ी तेजी से ठीक होती है। मैं आपको सबूत देता हूं कैसे करना है। तो क्या 5 घंटे हम मिट्टी में बैठे रहें? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछ सकते हैं, नहीं, आपका काम मैं आसान करता हूं, मिट्टी को बिना छुए भी आप मिट्टी के कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं और अपने आप के अंदर बदलाव आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। इससे क्या क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन है, दर्द, किसी भी तरह का दर्द अगर आपके बॉडी में है, किसी भी तरह का जॉइंट पेन वगैरह है, तो उसे पहले दिन में ही 20% हमने देखा अपने पेशेंट में फर्क पड़ जाता है, फर्स्ट डे 20%, सिर्फ क्या किया, अर्थिंग किया, बाकी कोई चेंज नहीं किया, राइट? तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा करना है, और
आप मिट्टी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहते, बिना आए भी कैसे आए, इसका एक एक्सपेरिमेंट हमने किया आपके इस दिखाने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसको समझिए ज़रा। नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ये बोलते हैं, अगर आपने अपने आप को अर्थ से जोड़ लिया तो इसका नाम उन्होंने दिया द अम्ब्रेला इफेक्ट। तो क्या होगा, जिस तरह से बारिश आई है बाहर निकलना आवश्यक है, बारिश को आप रोक नहीं सकते और बाहर भी निकलना जरूरी है, तो क्या करते हैं आप, छाता ले लेते हैं। छाता लेने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से बारिश से बच जाएंगे, छींटे तब भी पड़ेंगे, लेकिन हाँ मेजरली बच जाएंगे आप। तो जिस तरह से ये छाता बारिश में काम आता है, ये छाता ये गारंटी नहीं दे रहा कि आपको एक भी बूंद नहीं लगेगी, लेकिन छाता से ये प्रिवेंशन है कि आप पूरी तरह से नहीं भीगेंगे, बचे रहेंगे। ठीक उसी तरह से 5G देश में आ गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, आपको पता है राइट, इससे कैंसर बढ़ने लगेंगे। तो ऐसे में एज ए कॉमन मैन, आपके हमारे बस में नहीं है कि हम 5G को रोक पाएं, वो बरसात की तरह है, हमारे पहुंच से बाहर है राइट। कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को राइट, लेकिन अभी कोई ऐसा छाता हम बना लें कि जब घर से बाहर निकलें तो 5G का रेडिएशन हमारे ऊपर उतना असर ना करे राइट। तो इसे कहते हैं द अम्ब्रेला इफेक्ट, और इस साइंटिस्ट ने बोला है ये अम्ब्रेला इफेक्ट कब आएगा, अगर हम अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो उस वक्त ये जो 5G है और ये जो रेडिएशंस हैं इसका असर बॉडी पे मिनिमाइज्ड हो जाता है, जीरो नहीं होता, मिनिमाइज्ड हो जाता है अर्थ के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो क्या जुगाड़ है, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप खुद अपना कर पाएं जुगाड़। देखिए अच्छा, इसको पकड़ो, ये एक टॉवल है, इसमें तारें लगा दी हमने, देख रहे हैं? और ये अगर मैं यहां बिछा देता हूं, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ रात को जब मैं सोऊंगा तो मैं इस पे सो जाऊंगा राइट। ये सो गया, अब जब इसे सो रहा हूं तो ये अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जो है इसका एक छोर जमीन पे है। तो रात भर तो आप सो ही रहे हैं ना, तो सो रहे हैं तो आप इसके ऊपर सो जाइए, और ये तार को नीचे भेजा ही हुआ है, और रात भर आपको अर्थिंग हो रही है, और सुबह जब उठेंगे आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे, मेरे जोड़ों का दर्द क्यों नहीं हो रहा आज। अरे मेरी जो सूजन थी, स्वेलिंग थी, वो कहां गायब हो गई, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, स्वेलिंग को तेजी से गायब करना है और तेजी से, तो एक चीज और जोड़ लीजिए, समझिए इसको जरा। ये मैंने क्या किया, कॉपर का प्लेट है, इस प्लेट को मैंने लेके ऐसे यहां पहन लिया, लेडीज ज्वेलरी पहनती है ना उस तरह से, ऐसे आप पहन लो इसको, पहन के अब ये है, इसका एक छोर मैंने यहां लगा दिया, और इसका जो दूसरा छोर है इसी तार का, ये मैंने, ये जो बिस्तर बनाया है इस बिस्तर में मैंने कहीं भी जोड़ दिया, कहीं भी किसी भी तार में। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सीधा यहाँ पे, मेरी सूजन है, मेरा दर्द यहाँ पे है, तो वो सीधा आ रहा है इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, एक फिट इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है तो आधा घंटा लेता है, लेकिन जब इतना पास है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, और बड़ी तेजी से होगा, ज़्यादा होगा, और आप जल्दी हील हो जाएंगे। आपको अगर लगता है कि लोकलाइज्ड कहीं पे घाव है,
वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो उस घाव के पास, वो घाव पैर में हाथ में, उसके पास इस तरह का जुगाड़ बना लिया आपने, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा। नहीं भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन और जल्दी करना है, लोकलाइज्ड। कोई भी दर्द हो, कोई भी सूजन हो, कोई भी जख्म हो, जख्म के ऊपर नहीं करेंगे, जख्म से थोड़ा दूर जहां जख्म नहीं है वहां करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोहा है, लोहे के खुरचने से भी जख्म हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा दूर रखे आपने ऐसे कर दिया। और ये तार कहाँ बंधा हुआ है? ये बिस्तर में तार हुआ और ये कनेक्टेड है टू द अर्थ, जमीन पे। ये जो तार ले गए नीचे, वो एक फिट नीचे तक आपने गाड़ा हुआ है, एक फिट नीचे तक गाड़ा हुआ है, और वो गीली मिट्टी थोड़ी सी कर दी, पानी डाल दिया, अब वो इलेक्ट्रिक आ रहा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा आप अर्थिंग हुआ कि नहीं हुआ? मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जब आप इसके ऊपर होंगे, आपका वोल्टेज वही वाला होगा जो अर्थ का वोल्टेज है। अर्थ का वोल्टेज कितना होता है? जीरो। और वो वोल्ट मीटर में दिखेगा, और उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? अरे, आपकी जो तकलीफ थी कुछ घंटों में, आप पूछिए अपने आप से, वो तकलीफ कम हुई क्या? अगर तो आपको लगता है कम हुई, इसका मतलब फायदा हो गया है ना, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। अब मान लीजिए किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका जुगाड़, ये हमने बनाया पिलो कवर। ये पिलो कवर, पिलो अंदर है, पिलो हिंदी में क्या बोलेंगे पिलो को? तकिया। अंदर है, और ये जो तार है, ये तार दिख रहा है आपको, इस तार के एक छोर को, ये आपस में कनेक्टेड है, ये कॉपर के तार से हमने जोड़ा हुआ है क्लिप से। अब जब मैं इस पे सो रहा हूं, तब वो इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग डायरेक्टली इन द बॉडी। क्या नुकसान होगा? कुछ, कोई नुकसान नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जिस तरह से माँ के गोद में बच्चा जाता है तो बच्चे को आराम मिलता है, आप भी धरती माँ के गोद में चले गए हैं, आराम ही मिलना है। जिस प्रकार आज तक कभी भी किसी बच्चे को उसके माँ के गोद में जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ, आप भी धरती माँ की गोद में रहेंगे, चाहे इनडायरेक्टली सही, नुकसान नहीं होने वाला, पक्का ही है, राइट? तो इस तरह से एक्चुअली क्या है, मेरा जो मन कर रहा है, एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं हम। ये पूरा बेडशीट बनाया हमने कि ये बेडशीट है, इसका नाम भी देंगे अर्थ थेरेपी बेडशीट, लंबा चौड़ा नाम, और हम किसी को बताएंगे नहीं ठीक कैसे होते हैं। ये बेडशीट 5,000 रुपये में खरीदना, 500 रुपये बोलेंगे कौन खरीदेगा, 5 से 10,000 रुपये में खरीदना है, और इसके अंदर जो भी कुछ है वो बताएंगे नहीं, उसको ऐसे करना, हमारा टेक्नीशियन आके करके जाएगा, और मैं तो बोल रहा हूँ ये किराए पे दो, बेचो भी मत, एक दिन के 500 रुपये लगेंगे है ना, बताओ महीने में आपको 30 दिन चाहिए तो 15,000 जमा कर दो, है ना। तो अब देखिए, ये जो बनाया है, ये एक दवाई की फैक्ट्री बना दी आपने, नींद की गोली, डिप्रेशन की गोली, डायबिटीज की गोली, बीपी की गोली, पैल्पिटेशन की गोली, इन्फ्लेमेशन, इंजरी, घाव, पेन, और जो दवाइयां कर सकती है वैसा नहीं, उससे ज्यादा तेज, धीरे नहीं, तेज, विदाउट साइड इफेक्ट, साइड बेनिफिट। आपने तो किया पेन के लिए, लेकिन नींद भी बड़ी गहरी आ गई है ना, आपने तो किया आपका ब्लड पतला हो जाए, लेकिन आपका डिप्रेशन भी चला गया है ना। तो और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हम करें, आप तब करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई। मेरे बोलने पे आप में से इतने लोग हैं जिन्होंने DIP डाइट किया और आपको फायदा हुआ, एक बार फिर से हाथ रेज कीजिए, है ना, इतने लोग हैं। तो आप मुझ पे भरोसा करके, मैं ये बोल रहा हूं एक दिन करके देखिए, ओनली वन डे, अगर तो कुछ फायदा हुआ, राइट। हमने 17 जुलाई रवि जी के वहां पे बोला कि
जो लोग थैलेसीमिया पेशेंट हैं एक बार मेरी बात मान के देखो। और आज का दिन देखिए 9 अक्टूबर आ गया, उन बच्चों ने माना और मानने के बाद उस ट्रैप से बाहर निकल गए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरी बात को मान के इसको करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से लेकर रख दो, अभी जो मैंने आपको दिखाया इसे कहते हैं अर्थ थेरेपी। ये काम करता है, हर बार काम करता है, हर एक के लिए काम करता है हमेशा। इंसान की दिक्कत क्या है, आप जमीन से दूर होते चले गए और जैसे जैसे जमीन से दूर होते चले गए बीमार पड़ते चले गए, आप भूल ही गए। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि मिट्टी को छूने से कैसा महसूस होता है, पता ही नहीं। उनको बोलो मिट्टी में जाना है गंदा है, कि उनको सिखाया ये गया है। थोड़ा सा बाहर बारिश आ रहा है भाग के छुप जाते हैं जैसे कि कोई गोलियां बरस रही होंगी। हमने इन बच्चों को क्या सिखाया, वो जो बच्चे कि बारिश हो रही है जाओ भागो बाहर, नहाओ खेलो। मिट्टी में लोटो, एक दूसरे में मिट्टी फेंको, पेड़ पर चढ़ जाओ। नतीजा क्या हुआ, अरे ठीक होते चले गए, ठीक होते चले गए। साइंस क्या है पीछे, वो साइंस हमने नहीं बताया उनको ऐसा करो। साइंस मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या चाह रहे थे कि धरती का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी में आ जाए किसी भी तरह से। उनको खेल के बहाने, कोई कॉम्पिटिशन के बहाने, कुछ ना कुछ करके, और वो धरती का इलेक्ट्रॉन जब बॉडी में आने लगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। आप सोचिए पिछली बार कब था जब आप धरती के कांटेक्ट में आए, कब था? आप सोचना पड़ रहा है ना, गड़बड़ हो गई ना। तो आप अपने लाइफ में कोई बदलाव ना करें, सिर्फ एक बदलाव जो मैंने बोला ये करके देखें, और अगर एक दिन में फर्क आ गया तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगी बात कि इसमें दम है। फिर दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे। फिर क्या करना है आपको, दिवाली आने वाला है, दिवाली में आपके पास बजट होता है ना, सबको गिफ्ट देना है, आप ये बना के दे दीजिए ना, देना तो है ही ना। अच्छा अगर ऐसा बोलते हैं कौन बनाएगा, कहाँ से तार आएगा, तो मैं और भुयर साहब हम लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर, राइट। तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए और उनको भी देंगे, उनका नाम हम बड़ा अर्थ थेरेपी ऐसा कुछ बड़ा सा नाम रख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिडक्शन, हाँ। और उनको बताएंगे नहीं इसके पीछे का सच क्या है, और वो भी सोचेंगे और लिख देंगे MRP 15,000 rupees, राइट। आपको हम 1,000 rupees में दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस धरती में कुदरत को इस तरह बनाया गया है कि हेल्दी रहने का हक हर एक को बराबर है, पैसे से हेल्थ नहीं खरीदा जा सकता। ये जो धरती का इलेक्ट्रॉन है क्या ये पैसे से कोई खरीद सकता है, क्या कोई जरूरत है? जो चीज कैद नहीं की जा सकती, जिस चीज का व्यापार नहीं किया जा सकता, उस चीज को प्रमोट भी नहीं किया जाता, बताया भी नहीं जाता, कहीं ऐसा ना हो कि इससे लोग ठीक ही हो जाएं, राइट। ये सच है। तो ये वाला काम बताने का आप ही को करना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको बताया दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल बैलेंस, और इलेक्ट्रिकल बैलेंस के फायदे कितने हैं वो कई गुना ज्यादा हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, मैकेनिकल बैलेंस एक है, केमिकल बैलेंस एक और है, दो रह गए। मैकेनिकल बैलेंस कोई नई बात नहीं है, पिछले एक साल में हम करते आए हैं, जिसे बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन, राइट। हॉट वाटर इमर्शन कितने लोगों को पता, ऑलरेडी काफी को पता है। जिनके हाथ नहीं उठे उनके लिए मैं थोड़ा समझा दूं कि मैकेनिकल बैलेंस मतलब क्या है। आपके बॉडी में कोई ट्यूमर है, आपके बॉडी में कोई स्टोन है, वो दिख सकता है, छू सकते हैं, उसका तौल सकते हैं, तो वो मैकेनिकल एंटिटी है, फिजिकल वस्तु है। कहीं सूजन आ गया, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल नहीं, मैकेनिकल है, फिजिकल है। ऐसे में क्या काम आएगा, ऐसे में मैकेनिकल टेक्निक काम आएगा, फिजिकल टेक्निक काम आएगा। कौन सी टेक्निक है, इसे कहते हैं हॉट वाटर इमर्शन।
हॉट वाटर इमर्शन बहुत सिंपल है, बाथ टब लेना है, 40 डिग्री टेम्परेचर में गले तक पानी अगर हो और 2 घंटे तक अगर आप बैठ पाए तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ट्यूमर है, स्टोन है, फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब पानी जम गया है जो डायलिसिस पेशेंट में हो जाता है, तो वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। अब ये फिजिकल मैकेनिकल बैलेंस को समझते हैं, ये क्या काम कर रहा है। इस वक्त आप और मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां बैठे हैं, हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट, हवा है, हवा का दबाव है ना बॉडी के ऊपर, वो जो दबाव है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब हम पानी के अंदर बैठते हैं तो हमारे बॉडी पे एक और दबाव जुड़ जाता है, पानी का दबाव। तो 2 प्रेशर हो गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वॉटर। ये जो प्रेशर ऑफ द वॉटर, उसकी वजह से आपका जो टोटल प्रेशर है वो 2% बढ़ जाता है। जब भी ऐसा होता है, ऐसा अगर हम कर दें तो ऐसा करते ही गर्म बॉडी अगर हो तो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। एक तो बॉडी का जो ब्लड का फ्लो होने का रफ्तार बढ़ जाता है, 20% स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है उस वक्त। और ऐसा होते ही बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ केमिकल बॉडी में ज़्यादा होने लगते हैं, कुछ हार्मोन बॉडी में कम होने लगते हैं। वो हार्मोन जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं वो कम होने लगते हैं, वो हार्मोन जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को घटाते हैं वो बढ़ने लगते हैं। ये बदलाव आने लगता है, और ये बदलाव आते ही आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है, एक्स्ट्रा सोडियम है, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा यूरिया है, जो भी चीज फालतू है, बॉडी से स्किन के रास्ते बाहर जाने लगता है। आपका जो स्किन है उसे बोलते हैं तीसरी किडनी, पहले से ही। क्यों? आप पसीना का एक ड्रॉप लीजिए और पेशाब का एक ड्रॉप लीजिए और दोनों को लैब में टेस्ट कराइए, दोनों में केमिकल एनालिसिस सेम मिलेगा। उसमें भी, पेशाब में भी पोटेशियम, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड यही मिलेगा। आपका पसीना और आपका पेशाब सेम है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग जिनके किडनी नहीं काम कर रहे हैं तो उनके पास एक तीसरी किडनी है, स्किन, तो तीसरा किडनी काम करने लगा। जब तीसरी किडनी काम करने लगी तो जो 2 किडनी उसको टाइम मिल गया अपने आप को ठीक करने का, समझिए इस बात को। आप बताइए, आज तक पूरे दुनिया में डायलिसिस कराने से कोई भी पेशेंट किडनी का ठीक हुआ है क्या? होता ही नहीं है। याद रखिए कि जब कोई पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन करता है, ये बाथटब वाला, 40 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे बैठना या 1 घंटा बैठना, तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से भी उसके जॉइंट पेन, ये भी बॉडी में कहीं भी दर्द है वो भी ठीक होने लगता है। इसीलिए जो कैंसर के पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, जिनके पेन बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर का पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको हम मॉर्फिन की जगह हॉट वाटर टब में बिठा देते हैं और पेन उनका वहीं रुक जाता है, कम होने लगता है। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है और बड़ी तेज़ से दर्द करता है, उनको भी हम हॉट वाटर इमर्शन में 1-1 घंटा दिन में 2 बार बिठाते हैं, हर 12 घंटे बाद 1 बार। और धीरे 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 क्या होता है, उनकी पेन की इंटेंसिटी और पेन की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है और कुछ महीनों में पेन पूरी तरह चला जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन था, या तो वो छोटा हो गया या डिसॉल्व हो गया, राइट। तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, ये आपके बॉडी का जो मैकेनिकल इम्बैलेंस था, चाहे वो स्टोन था, चाहे वो ट्यूमर था, चाहे वो सिस्ट था, सूजन थी, फ्लूइड डिपॉजिट था, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसका नाम कैंसर की वजह से है, किडनी फेलियर की वजह से है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है।
फिजिकली अगर कुछ फेलियर है, मैकेनिकल फेलियर है, उसके लिए हॉट वाटर इमर्शन। बॉडी में कहीं कहीं दर्द है, यहां पे भी हॉट वाटर इमर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। अब आते हैं तीसरा पार्ट, दैट इज DIP डाइट। तीन ही स्टेप है। स्टेप वन, फ्रूट ब्रेकफास्ट, 3 से 4 तरह के फल 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाएंगे। कल करके देखिए, कौन से फल जो पसंद हो, वो फल जो मिल जाए वो। कितना आपके बॉडी वेट अनुसार, मेरे बॉडी का वेट है 70 kg, एक शून्य लगा दिया 700 ग्राम, कम से कम इतना। इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा, लेकिन कुछ और नहीं खाना है। एक बार में खाइए, 4 बार में खाइए, सिर्फ फल खाइए। रोटी सब्जी या ब्रेड पास्ता नूडल नहीं खाना 12 बजे तक। लंच में और डिनर में 2 प्लेट लेके बैठेंगे हमेशा, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 में सलाद खाएंगे, सलाद टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल पीली हरी शिमला मिर्च प्याज वगैरह, या फिर थोड़ा स्टीम भी कर सकते हैं। कितना, कोई बोलेगा सलाद तो हम खाते हैं, कितना खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरे बॉडी का वेट 70 kg × 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम अगर मैं खाऊंगा या इससे अधिक खाऊंगा तो ये दवा है, अगर थोड़ा सलाद खाऊंगा तो वो खाना है। हमें दवा की तरह खाना है उसको, राइट। जब मैंने 350 ग्राम खाऊंगा और ऐसा 3-4 दिन मैं करूंगा तो मेरी एपिटाइट भूख बढ़ेगी। तो उसके बाद जो प्लेट 2 है, ये प्लेट 2 में क्या खाना है, जो अभी खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब कुछ। तो मैं आपको कुछ कम करने नहीं बोल रहा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं एक चीज ऐड करने बोल रहा हूं। हाँ, एनिमल फूड और इंडस्ट्रियल फूड को कम करने जरूर बोल रहा हूं, लेकिन नॉर्मल खाना जो खाते हैं वेजिटेरियन खाना वो आप खाइए, पहले ये खा लीजिए। 7 बजे तक डिनर फिनिश कर दीजिए, नहीं तो 8 बजे तक कर दीजिए। आखिरी बात, 2 चीज अवॉइड कीजिए, पैक्ड फूड एनिमल फूड, और एज ए स्नैक्स 2-3 चीजें जोड़ लीजिए, स्प्राउट्स नट्स फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं जब मर्जी एज ए स्नैक्स। धूप में बैठिए, 40 मिनट नहीं बैठना चाहते तो 10 मिनट बैठिए, बैठिए जरूर। ये दिस कॉल्ड DIP डाइट। अगर आपके बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी है, मिनरल डिफिशियंसी है, केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसके लिए DIP डाइट। तो आपके पास 3 हथियार हो गए ना, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, फिजिकल या मैकेनिकल बैलेंस एंड केमिकल बैलेंस। ये तीनों चीज फिट कर दीजिए ना एक साथ, हमें क्या पता कौन सी चीज बैलेंस में है या नहीं है, तीनों ही कर दो। कोई भी इंसान आपको मिले या आप खुद किसी भी चीज से बीमार हैं, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया, केमिकल बैलेंस मैंने आपको बता दिया, फिजिकल बैलेंस हॉट वाटर इमर्शन वो भी सिखा दिया, तीनों चीज ही कर डालो। और जब करेंगे कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, अरे पहले दिन ही पता चल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 महीना कीजिए, 1 हफ्ता कीजिए, मैं बोल रहा हूं 1 दिन कीजिए, 1 दिन तो करके देखिए। 1 दिन में अगर थोड़ा फर्क मिला 20%, तो दूसरा दिन भी कर लीजिए, फिर तीसरा दिन भी कर लीजिए। आप करते चले जाएंगे और वो जो ट्रैप था उस ट्रैप से बाहर निकलते चले जाएंगे। 3 चीजें हैं जो पूरी करती हैं, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आगे पहुंचाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट।